अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमने कॉइन लिया था और उसको सिंगल टाइम टॉस किया था, ठीक है। अब हम दो कॉइन ले रहे हैं। अब जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे एट अ टाइम, देखिए क्या होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है या एग्जाम्पल जो भी आप उसे कहना चाहें, इफ वी टॉस ऑफ कॉइन द पॉसिबल आउटकम आर, पॉसिबल आउटकम्स आर आइदर हेड और टेल, है ना, सिंगल टाइम। नाउ वी टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन, क्या होगा। दो कॉइन अब हम उछाल रहे हैं, ठीक है। जब हम दो कॉइन उछालेंगे तो हमारे कुछ केस और बढ़ जाएंगे। सिंगल कॉइन था तो हमारे टोटल केस कितने थे, दो थे, एक हेड या एक टेल, तो दोनों मिला के दो केस हुए, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉइन है, हम मान लीजिए ये हमारा कॉइन है और ये एक और कॉइन है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक पर हेड आए एक पर टेल आए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, ठीक है, राइट। तो अब हमारे केसेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। हम उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे, टी ऑन बोथ द कॉइंस मींस नो हेड, ये भी हो सकता है, ये जो मैंने लिया था इसकी जगह ये केस भी हो सकता है, दोनों पर टेल आ जाए, किसी भी एक पर टेल एक पर हेड आ जाए और दोनों पर हेड आ जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमारे केसेस क्या होंगे, शायद टेल आ जाए दोनों कॉइन पर मींस नो हेड, या शायद हेड आ जाए दोनों कॉइन्स पर मींस नो टेल, ठीक है। पहला केस ऐसा हो सकता है। दूसरा, टी ऑन वन कॉइन एंड हेड इज ऑन अदर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी एक कॉइन पर टेल आ सकता है और एक पर हेड आ सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है, यहां हेड आ सकता है यहां टेल आ सकता है, पर जो भी केस होगा वो एक होगा क्योंकि हम दोनों कॉइन को एक साथ उछाल रहे, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा कि हेड आ जाए दोनों तरफ means no tail, ठीक है। वही केस हुआ कि दोनों कॉइन पर हेड आ जाए तो मतलब टेल आने का कोई चांस नहीं है। तो जब हमने दो कॉइन एक साथ उछाले तो अब हमारी इवेंट जो है वो चेंज हो गई। पहली बात तो उसके टोटल आउटकम्स चेंज हो गए और पॉसिबल आउटकम भी अब थोड़े कुछ और आएंगे, ठीक है। तो जो जो पॉसिबिलिटी है वो हमने लिख ली। अब हम कुछ इनके नोटिफिकेशन लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी में यूज किए जाते हैं। टी ऑन द बोथ साइड्स मींस नो हेड, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा था, ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट था और इस पे क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो फर्स्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज जीरो, ठीक है। क्यों, जैसे मैंने लिखा टी ऑन बोथ द कॉइन्स, मतलब दोनों कॉइन पर क्या आ चुका है, टेल आ चुका है, तो टेल आना हो गया है तो अब हेड आ सकता है क्या, नहीं। और मैंने क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा इसी पे बेस्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आई एम टॉकिंग अबाउट हेड, तो अब इस पर्टिकुलर केस में हेड आने का कोई चांस है, नो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गया, जीरो हो गया। ये सिर्फ सिंपल हम आपको सॉल्यूशंस बता रहे हैं, अभी आपको एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चंस बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड अभी क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड केस जो है टी ऑन वन कॉइन एंड हेड ऑन द अदर, अब हमारा क्वेश्चन है सेकेंड वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन दिस केस, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वन होगा, कि एक कॉइन पर टी आ गया है तो एक कॉइन पर एच आएगा, दोनों कॉइन पर टी आया वो केस तो हमने ले लिया। अब सेकेंड केस क्या होगा,
कोई एक कॉइन पर एच आएगा, एक कॉइन पर टी आएगा, ठीक है, दोनों चेंज हो सकते हैं, पहले वाले पर टी आ जाएगा, दूसरे वाले पर एच आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया, या पहले वाले पर एच आ जाएगा, दूसरे वाले पर टी आ जाएगा, पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई एक, क्योंकि एक पे तो टेल आ रहा है, तो एक पर क्या आएगा, हेड आएगा, तो उसको अगर हम नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, वन। थर्ड केस है हेड ऑन बोथ साइड्स मींस नो टेल, और क्वेश्चन हमारा वही सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टू हो जाएगा, क्यों टू हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर ही क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, जब दोनों पर हेड आ रहा है तो टी आने की पॉसिबिलिटी एकदम जीरो है, और दोनों पर हेड आ रहा है तो आउटकम कितना हो गया, टू हो गया। इस एग्जाम्पल पे मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हम चेंज कर देते हैं, अब हम कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एक्सपेरिमेंट यही है हमारा, उसकी पॉसिबिलिटी ये की यही है, पर अब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं, टी ऑन बोथ द कॉइन्स मीन दोनों कॉइन पर क्या आ गया है, टी आ गया है, और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहला केस टू हो जाएगा, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल आने की, दो हो गई है, क्योंकि दोनों पर क्या है, टेल है। सेकेंड है टी ऑन वन कॉइन एंड हेड ऑन द अदर, वही एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट वो का वही है, बट क्वेश्चन चेंज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो अब सेकेंड केस में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि कोई एक कॉइन पर टेल आ रहा है और एक कॉइन पर हेड आ रहा है, प्लेस चेंज हो सकती है, इस पर हेड हो सकता है, इस पर टेल, पर आने की संभावना कितनी है, एक है, पॉसिबिलिटी कितनी है, एक है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा है, थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है, हेड ऑन बोथ साइड मीन्स नो टेल, हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। थर्ड केस में हमारे पास टेल आ ही नहीं रहा है, दोनों कॉइन पर क्या आया हुआ है, हेड आया हुआ है, राइट, जब दोनों कॉइन पर हेड आया हुआ है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। तो देखिए वही क्वेश्चन वही एक्सपेरिमेंट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो चेंज हो गया है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोल रहे थे तब वो था जीरो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बोल रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी है टू, ठीक है। तो मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट के दोनों पार्ट जो है वो आपको बताए क्वेश्चन चेंज करके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।